हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग आए हैं पापा जी के लिए दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में आए हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं, जयपुर से आते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों की दवाई देते हैं और पापा जी को हमारे बहुत आराम है, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं तो अंदर चलते हैं दवाई लेने के लिए। तो ये हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो मेरे हस्बैंड यहाँ से दवाई ले रहे हैं पापा जी के लिए 1 महीने के लिए, क्योंकि ये महीने में 2 बार आते हैं। तो हम लोग 1 महीने की ही ले लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो अभी दवाई ले ली है हम लोगों ने, तो हम जा रहे हैं अब सब्जी मंडी। तो चलिए, आप लोगों को दिखा देते हैं सब्जी मंडी कैसी लगती है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ देख रही हूँ और उनके भाव भी पूछ रही हूँ। भाव काफ़ी बढ़ गए हैं, और मैं अपने मायके में कभी सब्जी लेने नहीं गई थी और हमेशा मम्मी ही सब्जी लेकर आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले से ही पैसे दे दिए थे और सब्जी मैं ही खरीदूंगी। उन्होंने बोला था, देखो आप सब्जी खरीद पाती हो या नहीं, और भाव वगैरह मैं ही पूछ रही थी उनसे। तो सारी सब्जियाँ काफ़ी महंगी हो चुकी हैं और इस सीज़न में सब्जियां ज़्यादा मिलती भी नहीं हैं। सिर्फ वही है, कद्दू, लौकी, तोरई, बस यही सब्जियां मिलती हैं। तो अभी मैं यहाँ से कर ले रही हूँ कद्दू। तो कद्दू हमने ले लिया है, कद्दू हमें मिला है 40 रुपए किलो। तो कद्दू लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ खीरा देखने के लिए। तो खीरे भी मिल रहे हैं 40 रुपए किलो। तो फिर भैया ने 35 रुपए किलो लगा लिए थे खीरे। तो अब मैं यहाँ से देख रही हूँ बैगन, भरमा बैगन बनाने के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे बैगन, बड़े बैगन भी थे, तो लेकिन मैंने छोटे छोटे छांट छांट के बैगन देख लिए हैं यहाँ पे। तो बैगन भी हैं 40 रुपए किलो। वो 40 से कम कोई भी सब्जी नहीं थी। तो 40 से कम कोई भी सब्जी नहीं थी यहाँ पे। तो आलू ले लो, बैगन ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर, मतलब सारी चीज़ें, सारी सब्जियां 40 से ऊपर की ही थी। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बैगन छोटे छोटे, और भरमा बैगन के लिए तो छोटे छोटे बैगन ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे छांट छांट के निकाल लिए हैं। तो पॉलिथीन हो गई है बैन, तो फिर मैं यहाँ पे बैग लेकर गई थी अपने घर से ही।
तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे मूली, और मूली की पत्ती मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी घर पे जाके, लेकिन पत्ती में कीड़े लगे हुए थे तो फिर पत्ती तो बेकार ही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे मूली ले ली है। तीयों की सब्जी बनती है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन ये पत्तियाँ कुछ ख़राब थी तो इन पत्तियों की सब्जी हम नहीं बना सकते थे। बाकी सब्जियां घर पे रखी हुई थी इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी नहीं ली, तो अभी बस सब्जियां ले ली हैं हमने और जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ से सिंघाड़े, तो बस सिंघाड़े लेने के बाद सीधे हम घर ही जाएंगे। अभी हम आ गए हैं सब्जी मंडी से अपने घर, और यहाँ पे मम्मी के बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मेरे बालों में कंघी कर दो, तो मैं यहाँ पे मम्मी के बालों में कंघी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मम्मी के बालों में कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के आए हैं टाँके और टाँकों में उनको फिर तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं उनके हल्के हल्के हाथों से चोटी कर रही हूँ। तो मम्मी के बालों में कंघी हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ अपने बालों में एलोवेरा। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा ले लिया है, तो उसका मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इसको बीच से कट लगा रही हूँ जिससे इसका जूस निकल आएगा। तो मैं डायरेक्ट अपने बालों में ऐसे ही लगा लूँगी, और इसका आप लोग जूस बना के यानी कि मिक्सी में पीस के भी लगा सकते हो आप लोग, तो बहुत अच्छे से लगता है बालों में। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं अपने बालों में किस तरीके से एलोवेरा लगाती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि इसका जो बीच का पार्ट होता है तो उसको अपने हाथों से तरीके से मसल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों में लगाऊंगी, और इसे हमें बिल्कुल जड़ तक लगाना है। तो मैं
में रख रही हूँ जो सब्जियाँ मैं लेकर आई थी। वैसे मैं सब्जियाँ तो घर पे थी, मैं सलाद के लिए ही गई थी मार्केट, मतलब रास्ते में हम लोग निकल रहे थे तो मैं सोचा कि खीरा वगैरह हमारा ख़त्म हो चुका है तो ले लेते हैं, इसमें से खीरा खिल चुका है। और एक किलो लेकर आई थी मैं, और ये लाए हैं मूली। तो अभी इस सीजन में कोई ज़्यादा सब्जियां नहीं आई हैं, बस यही मिल रहा है आलू, पालक भी बहुत कम मिल रही है, मूली है, खीरा है, कद्दू है, बस यही सब्जियां हैं बाजार में। तो मैं ये ले आई थी बैगन छोटे छोटे वर्मा बैगन बनाने के लिए, तो बस यही सब्जी है और कुछ खास नहीं लेकर आई हूँ। और ये सिंगाड़े थे जो रास्ते में मुझे मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। तो ये मूली के पत्ते खराब है तो इसको हम लोग हटा देंगे, बनाएंगे नहीं, वैसे इसकी सब्जी भी बन जाती है तो हम लोग इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये इस टाइप से है पत्ते, कुछ इसमें कीड़े लगे हुए हैं शायद। तो ये है सिंघाड़े, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। और आप लोगों के यहाँ इनको क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इनको सिंघाड़े बोला जाता है, मुझे रास्ते में मिल गए थे तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन अभी ये छोटे हैं और लोगों ने अभी बड़े नहीं होने दिए तो पहले से इसको निकाल लिए थे। तो ये इस टाइप से हैं कुछ। हेलो हेलो, तो अभी मैं आ गई हूँ सारी कामों से फ्री होकर अपने रूम में आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मैं मार्केट से आई थी तो फिर मैंने अपने बालों में एलोवेरा लगा लिया था और उसके बाद मैं उसको बालों में लगाए रखा, फिर उसके बाद में मैंने नहा लिया और नहाने के बाद में मैं सब्जी भर दी और उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी मैं फ्री हो गई हूँ। तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने नहाया था उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी तो तब से मैंने कुछ अपने फेस पे लगाया नहीं था, तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन लग रही है तो मैं कुछ थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ अपने फेस पर लगा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैंने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, खाना सभी का हो गया तो बर्तन भी साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में अपने, तो नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है तो उसकी वजह से हमें अपने फेस पर कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है, तो फिर मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैं अपने फेस पर ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं ये लगा रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, ये SPF 30 PA++ है, तभी मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें सिर्फ इतनी सी लेनी है। तो मेकअप मेरा हो गया है, आई होप यू सी गाइस। और मैंने ये लगा लिया है, अब मैं करूँगी चोटी, क्योंकि मैंने चोटी भी नहीं करी थी। बाल मेरे सारे बिखरे पड़े हैं, क्लेचर लगा सिर्फ बालों में। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी ही देर में।
तो आज मैंने ये चूड़ियां निकाल ली हैं और ये वाले कंगन में काफी टाइम से पहनी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा है कि ये अभी रख दिए जाते हैं और ये वाली चूड़ी पहन ली जाती हैं, तो इसलिए अभी मैं ये वाली चूड़ियां पहन रही हूँ। तो चलिए अभी उतार लेते हैं, और ये उतर चुका है और अब मैं ये दो दो करके चूड़ियाँ चढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर हम एक साथ चढ़ाते हैं तो ये चूड़ियाँ टूट जाएंगी और कांच के लगने का डर रहेगा, इसलिए मैं ये दो दो करके चढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने एक हाथ में 8 चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इसका कलर है पैरट ग्रीन कलर, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। देखो ये एक चूड़ी टूट चुकी है, तो बड़े ही आराम से मुझे पहननी पड़ेगी अभी ये, और ये वाली चूड़ी पहले से टूटी हुई है तो इसको नहीं पहनेंगे हम, क्योंकि ये कांच लग जाएगा अगर हम हमारे हाथ में। तो अभी मैं दो चूड़ी और निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये दो चूड़ी टूट चुकी हैं। तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और देखो आप लोग कैसी लग रही है मेरे हाथों में। ये वाला कलर मैंने पहले नहीं पहना था और चूड़ी मैंने इतनी सारी कभी पहनी भी नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को वीडियो का नई नोटिफिकेशन मिल सकेगी। खुदा हाफिज़, बाय बाय।